आज दोस्तों एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं। इसको आप घर से भी कर सकते हैं, छोटे पे भी कर सकते हैं, बड़े पे भी कर सकते हैं, गांव शहर सब जगह कर सकते हैं। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन उतना नहीं है। कुछ स्टेट में इसका बिजनेस बड़े स्तर पे हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए 10 मिनट का समय दीजिए, बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो बिजनेस में कौन सी लागत लगेगी, कितना खर्चा आएगा, कैसे शुरू करना है, फ्री में ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, सरकार हमको कितना सब्सिडी देगी, A to Z जानकारी यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन का। सब लोग जान रहे हैं शहद हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इस कोरोना में भी अभी ग्रामीण में तो कम दोस्तों, सिटी में शहद बहुत ज़्यादा बिकती है। अगर आपको विश्वास ना हो किसी भी कंपनी का जो सबसे ज़्यादा बिकती हो, चाहे डॉबर का ले लीजिए, चाहे पतंजलि का ले लीजिए, चाहे जिसका ले लीजिए, आप बैठ करके एक दुकान का, बड़ी दुकान का रिक्वायरमेंट ले लीजिए, कम से कम दोस्तों 1 कुंतल 2 कुंतल तो एक दुकान से बिकती है। तो बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्तों, आप उसमें क्वालिटी लेके चलिए। बिजनेस कोई भी ख़राब नहीं होता दोस्तों, बस आपको उसकी क्वालिटी मेंटेन प्लस सेल्स करने की कला होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपके अंदर दोस्तों हैं तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें फेल नहीं होंगे। तो सब जानकारी आज हम यहाँ पे शेयर करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों ये जान लीजिए, आप छोटे स्तर पे शुरू कर रहे हैं तो कोई कागजात नहीं चाहिए। 10 बॉक्स 20 बॉक्स से शुरू करेंगे कोई कागजात नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसको आप बड़े में करेंगे तो आपको कुछ कागजात चाहिए। अगर आप सरकार से मतलब सब्सिडी लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो कागजात की ज़रूरत है, नहीं तो कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम जान लेते हैं सरकार से अगर हम स्टार्टअप के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से कागजात लगेंगे। दोस्तों आप रिक्वायरमेंट में GST नंबर लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप जब आप करेंगे तो आप GST नंबर लेना पड़ेगा माल बेचने के लिए, परचेज करने के लिए। अब दूसरा दोस्तों है MSME रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों, सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से कम ब्याज पे बैंकों से लोन मिल जाता है, वो भी सब्सिडी के साथ। कितना सब्सिडी मिलेगी, क्या मिलेगी, आगे हम चर्चा करते हैं, लेकिन उद्योग आधार में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ट्रेड लाइसेंस आता है। ट्रेड लाइसेंस भाग नगर निगम का लाइसेंस है, अगर आप नगर निगम के अंतर्गत हैं लीजिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जैसे आपको माल बेचने के लिए, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन माल बेचने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें दोस्तों सरकार की, सरकार करेगी मदद कैसे। आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, अच्छा सा प्लान दोस्तों, प्लान दिखाना पड़ेगा बैंक में कि हम इसी तरह से इसका स्टार्टअप करेंगे और यहाँ बेचेंगे, ऐसे ऐसे वो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। लोन और ट्रेनिंग फ्री मिलेगी दोस्तों, ट्रेनिंग आपको सरकार की कुछ संस्थाएं हैं अभी हम चर्चा करते हैं, फ्री मिलेगी। 2 से 5 लाख तक आर्थिक सहायता सरकार देगी स्टार्टअप के अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों कितनी मिलेगी सब्सिडी। अगर आप लेते हैं तो 65% सरकार जो है लोन देती है। जैसे सपोज देन आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6.5 लाख सरकार देगी, बाकी आप लगाना होगा। 25% उसमें सब्सिडी रहेगी, 25% सरकार सब्सिडी देती है। अब बात करते हैं ज़रूरी सामान उसमें क्या लगेगा, ग्लव्स, चाकू, ड्रम, रिमूविंग मशीन दोस्तों। अब इसको दोस्तों एक चीज़ और अभी हम आपसे शेयर करते हैं, ज़्यादा शहद देने वाली कुछ प्रजातियां होती हैं, जैसे एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका, एपिस जेरफेला, ये सब 3 मक्खियाँ ऐसी हों जो ज़्यादा देती हैं, बच्चे भी देते हैं। एक बार आपको खरीदने की ज़रूरत है, उसके बाद अपने आप आपका स्टेप बाय, जैसे आपने 10 बाग लिया, अगले बार 20 बाग 30 बाग बढ़ता अपने आप चला जाता है। देख ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों, कुछ संस्थान सरकार की भी है, कुछ प्राइवेट संस्थान अब ऐसे होंगे दोस्तों वो मधुमक्खी भी बेचते हैं, आपको सारा सामान भी देते हैं, प्लस दोस्तों आपको ट्रेनिंग भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। आप अभी जाकर के गूगल पे सर्च करिए मधुमक्खी पालन उद्योग करना है तो तमाम ट्रेनिंग सेंटर आ जाएंगे, या मधुमक्खी कहाँ मिलती है परचेज करना है तो आपको वहाँ मिल जाएगा, या सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आप अपने जिला उद्योग केंद्र जहाँ होता है दोस्तों, सब
डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। जिला उद्योग केंद्र आप चले जाइए, जिला उद्योग केंद्र में कह दीजिए मैं मधुमक्खी पालन का उद्योग लगाना चाहता हूँ, तो वहीं से सारे प्रोसीजर आपको बता दिए जाएंगे, आपको क्या सब्सिडी मिलेगी, कितना लोन मिलेगा, ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। ये तो सरकारी संस्था की बात हो गई। अगर आपको प्राइवेट लेना है दोस्तों, प्राइवेट करना है, तो कुछ लोग अब इसका बिजनेस करते हैं। बिजनेस आपको जैसे मधुमक्खी देंगे, उसके साथ वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। आपको कैसे लेना है, आप चाहेंगे तो लड़का भी दे देंगे, या आप उनके यहाँ रह के ट्रेनिंग भी ले लेंगे, क्योंकि उनमें उनका प्रॉफिट रहता है। आप उन्हीं के यहाँ मधुमक्खी लेंगे, आप उन्हीं यहाँ से सारा सामान लेंगे। तो ऐसे दोनों संस्थान है दोस्तों, आपको जो सुटेबल लगे उससे आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लागत की दोस्तों। इसको आप 10 बाघ से शुरू कर सकते हैं, 20 बाघ से शुरू कर सकते हैं, और दोस्तों 100-200 बाघ से शुरू कर सकते हैं। अब आपके बजट के ऊपर है, अगर आप सरकार के स्टार्टअप अंतर्गत करना चाहते हैं तो आप 100-200 बाग से शुरुआत करिए, आपको वहाँ से पैसे में मिल जा रहे हैं। अगर आप खुद अपने पूंजी लगा के तो आप 10-20 बाग से शुरू करिए। एक बाग की कीमत दोस्तों 2500 से लेकर के 4000, उस पर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसमें आप बार्गिंग भी कर सकते हैं। जब भी आप इसका उद्योग लगाना हो, 3-4 संस्था से संपर्क करिए, उनका रेट देखिए, उनका रेट देख लिए, वो क्या क्या आपको ट्रेनिंग देंगे, कैसे फैसिलिटी दे रहे हैं। सारी फैसिलिटी देने के बाद जिसके यहाँ सस्ता पड़ेगा उन्हीं के यहाँ से दोस्तों आप परचेज करेंगे। अब बात आ गई दोस्तों प्रॉफिट की। प्रॉफिट में दोस्तों एक बॉक्स में 40 kg निकलता है। कितना? 40 kg ऑर्गेनिक हल्दी। ये आपकी शुद्ध अफाद हो गई दोस्तों, इसमें कोई मिक्स नहीं है। 1 kg का दाम 600-800 रुपये किलो है दोस्तों ऑर्गेनिक। यहाँ तक ऑर्गेनिक में कुछ लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये तक बेचते हैं, लेकिन मैं वो फेक नहीं बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं, शुद्ध का करके बेच सकते हैं, चूँकि आप शुद्ध हैं, उसको आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसको आप खुद क्वालिटी क्वांटिटी जान रहे हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों आप अपने हिसाब से जैसे भी रेट हो। तो बात करें दोस्तों, जब एक बॉक्स में आपने मान लीजिए 10 बॉक्स से शुरू किया या 100 बॉक्स से शुरू किया, तो आप 10 बॉक्स शुरू करें, एक बॉक्स में कितना लागत आपकी लग रही है, 2500 रुपये, और एक बॉक्स में कितना हो रहा है, 40 kg। तो 40 kg को अगर 8 से भाग दें, 8 चौक 32, तो भी एक बॉक्स में दोस्तों 2500 आपकी लागत है, तो भी आपको 8 चौक 32 350, तो भी आपको 700-800 पर बॉक्स हो रहा है। तो इस ढंग से आप शुरू करके बिजनेस, इस बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं दोस्तों, अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। अगर इसका अपना ब्रांड बनाना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो है खाद्य विभाग में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन FSSAI में दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको बॉक्स लेना पड़ेगा, प्लास्टिक बॉक्स लीजिए या कांच की बोतल में पैक करिए। अब उसके लिए आपको एक ब्रांड नेम भी चॉइस करना पड़ेगा, ब्रांड नेम अपने हाथ से चॉइस कर करके उसका एक लोगो और उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा दोस्तों। जब आपको ब्रांड करके बेचना हो, या तो ऐसे बेचना है बना करके किलो 2 किलो, कुछ कंपनियां लेती हैं दोस्तों, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं और जो फहद बेचती हैं, इसी तरह से डायरेक्ट किसान से खरीद करके वो फिर पैक करके बेचते हैं। तो आप दोनों ऑप्शन से बेच सकते हैं दोस्तों। अगर आप ब्रांड बना के बेचना सकते हैं, ऑफलाइन दुकानों में अपना ब्रांड बना के बेचिए, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। उसके लिए यही कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा कागजात की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक और कागज लेना पड़ेगा, कोई अपना ब्रांड नाम चॉइस करना पड़ेगा, उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, और बॉक्स लेकर के पैक करके आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। ये जो है बहुत कम कंपटीशन भी है, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको हमारे विचार सुनिए। जब भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो, या उसके बैकग्राउंड बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, जहाँ से आपको ख़रीदारी करना वहाँ जा कर के विजिट कर लेना, वहाँ पे एक आध हफ्ते 2 दिन रह करके होटल में या उस जिनके यहाँ देखने जा रहे हैं उनके यहाँ रुक करके देख करके जानकारी ले लेना
कि हमारा बिजनेस कितना सही है कितना नहीं सही है, सारी जानकारी लेने के बाद ही बिजनेस के शुरू करना दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से जब करेंगे, या वीडियो आपके पास मान लीजिए 6 महीने बाद पहुंच रही है, 1 साल बाद पहुंच रही, उस समय कौन सी और कोई अच्छी सी मधुमक्खी आई हो जिसका और बढ़िया स्कोप हो और ज़्यादा शहद निकलती हो, या कोई और उस समय टेक्निक आ जाए बॉस की बजाय और ज़्यादा उसमें उत्पादन होने लगे, तो वो आप अपना बैकग्राउंड तो मतलब मॉडल यही होगा, फार्मूला यही होगा, तो उस समय क्या टर्म कंडीशन है उसके हिसाब से बैकग्राउंड नॉलेज लेने के बाद आप शुरू करेंगे तो दोस्तों कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा दोस्तों यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे सबके पास कोई भी वीडियो हम बनाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों, और लाइक तो कर ही दिए होंगे आपने जो 10 से 5 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।